चले 500 सी हैं 600 रुपए किलो, तो उससे बेहतर ये है कि जामे शीरी पी लें, तो कोई बात नहीं, जब वो कम पियेंगे वो नहीं इस्तेमाल करेंगे तो रेट जो है उसका नीचे आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैपिटल डिजिटल के साथ मैं हूँ अमरीन अली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के सस्ता बाजार में, जो कि आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए लगाया गया है। कहने को सस्ता लेकिन आवाम जो है वो रो रही है, खरीदारी में खासा महंगा है। लीमू काफी नायाब यहाँ पर मिल रहे हैं, 580 रुपए फी किलो। रोजेदार काफी परेशान है क्योंकि रमजान में लीमू का जो इस्तेमाल है वो खासा ज्यादा होता है, मशरूबात में इसका इस्तेमाल होता है, तो काफी ज्यादा जो है वो खरीदार परेशान दिखाई दे रहे हैं। दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं क्यों लीमू इतने नायाब हो गए हैं, वो भी रमजान के महीने में। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताओ कि 580 रुपए फी किलो लीमू फरोख्त हो रहा है, क्या वजह, इतना नायाब क्यों हो गया है? रमजान का महीना होता ना, वैसे लीमू महंगा होते हैं, फिर रमजान के बाद ईद के बाद 100 रुपए किलो, फिर 130 रुपए किलो चलते हैं। नहीं क्या वजह है, रमजान में तो सस्ती नहीं होनी चाहिए जी? ये अभी जो फसल आ रहे हैं ना कम आ रहे हैं बहुत सर, अभी तो सिक्सिंग वाले चल रहे ना, फसल कम आ रहे हैं। तो खरीदार का क्या रुझान है, खरीद रहे हैं? मेरे खरीदे बोले इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया, लेकिन मजबूरी हो गई उनका, मजबूरी हो गई। देखिए जो दुकानदार से बात करें वो कह रहे हैं खरीदारों की मजबूरी बन गई है कि वो लेमन खरीदेंगे जरूर, लेकिन उनको उनकी जो खरीद है वहीं पर उनको जो है वो नहीं मिल रही है, पीछे से कम जो है वो खरीद हो रही है, जिसकी वजह से लीमू जो है वो इस कदर नायाब हो गया। और दुकानदार ये भी बता रहे हैं कि रमजान के महीने में खास तौर पर इसकी कीमत बढ़ जाती है और उसके बाद एकदम 110 और 100 रुपए फी किलो ये फरोख्त होने लगता है। खरीदारों से हमने बात की है, वो भी इस वाले से खासी परेशान दिखाई दे रहे हैं। लीमू 580 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं, दीगर सब्जियां भी आज जुमा बाजार की बनिस्बत महंगी है, तो क्या कहते हैं? बस क्या कहते हैं, देखने ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए और हमारी इंतजामिया जो इनको सोचना चाहिए, ये गरीब है, अब एक महीने मतलब आता है ये गरीब के लिए, मतलब खुशी का महीना था महीने, उनको ये चीज़ें थोड़ी बहुत सस्ती करनी चाहिए, कोई ख्याल रखना चाहिए, और चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब किसी चीज़ पर चेक बैलेंस नहीं है लोग अपने रेट लगा लेते हैं, तो जब अपने रेट लगेंगे तो गरीब तो उसमें नहीं खरीद सकेगा, चेक बैलेंस होगा तो हो सकता है उसमें कोई गरीब चीज़। आप क्या समझते हैं अभी ये जो महंगाई है खासतौर पर ईद की वजह से हो रही है? हाँ ये देखिए ना, हमारे मुसलमान भाइयों को चाहिए रमज़ान का महीना कुछ चीज़ें सस्ती किया करें, कम से कम गरीब आदमी खरीद सके, और इतने तो नहीं है, जब रमज़ान ख़त्म हो जाए तो ये चीज़ें फिर डाउन हो जाएंगी। अभी ईद करीब आ रही है, गर्मी भी बढ़ रही है, दिन के टाइम में दर्जा हरारत ज़्यादा होता है, ऐसे में रोज़ादार इफ्तार के वक्त चाहते हैं उसे अच्छा मशरूब मिले, लीमू पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन लीमू 580 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं, दीगर सब्जियों के भी आज 5, 10 और 20 रुपए का इजाफा हुआ है, क्या कहते हैं सूरत हाल पर? जी अल्लाह का शुक्र अदा करें, 700 से 540 पे आए हैं लीमू, बहरहाल अब क्या किया जा रहा है, महंगाई तो जो होनी थी वो हो गई, अदरवाइज आप जो है ना ये रेडमेड वो ले लें, जामे शीरी ले लें, मैं कोई भी ऐसे मशरूबात ले सकते हैं जो कि मिलते हैं आपको, आप उसका इस्तेमाल करके। क्या समझते हैं शहरियों पर ईद की वजह से बहुत ज़्यादा डाला जा रहा है? ये तो हमारी रिवायत है, हमारे पास जब से हमने होश संभाली हमने तो यही देखा है कि हर रमज़ान में चीज़ें महंगी हो जाती हैं, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, हर बंदा अपनी मर्जी से रेट लगाता है, अपनी मर्जी से कह रहा है। रमजान के महीने में जहाँ आवाम को रिलीफ फराहम करना चाहिए, वहीं जो चीजों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती दिखाई दे रही हैं।